हेलो बच्चों वेलकम टू नवी एजुकेशन आपको अपने फाइनल एग्जाम्स में अपने बोर्ड एग्जाम्स में इवन एक सिंगल टॉपिक में या कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट ना हो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मेरा टॉपिक है आईएनजी फॉर्म का कंफ्यूजन ये आईएनजी फॉर्म क्या होती है वर्ब की फॉर्म होती है लेकिन ये आईएनजी लगने के बाद जब वर्ब की फॉर्म होती है ये बहुत सारे डाउट्स को और क्वेश्चन को कन्फ्यूजन्स को जन्म देती है ठीक है आज इस वीडियो के जरिए आपके वो सारे डाउट सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे सॉल्व हो जाएंगे फिर आपको अपने पेपर में जरा भी दिक्कत नहीं होगी आई एन जी फॉर्म क्या होती है आई फॉर्म हम वर्ब में आई यूज करते हैं किसी वर्ब में वर्ब क्या होता है क्रिया एक्शन वर्ड हम वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं उसके बाद उसको हम सेंटेंस में जब यूज़ करते हैं तो उसके यूज़ करने के कई टाइप्स होते हैं ठीक है आईएनजी लगने के बाद वर्ब का जो फंक्शन होता है वो जगह जगह चेंज होता है सेंटेंस के हिसाब से उसमें कैसे उसको यूज़ किया गया है इस हिसाब से वो उसका मीनिंग उसका सेंस उसका यूज चेंज होता है आज इसी को बहुत ही क्लियरली समझेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम तीन तरीके से यूज कर सकते हैं ठीक है पहला क्या है कंटिन्यूस फॉर्म आपने टेंसेस पढ़े होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि कंटिन्यूस फॉर्म यानी कोई काम जारी है हो रहा है लगातार लगातार्यूअसली चल रहा है उस में, उस में, में, में हम में लगाते हैं। कैसे? आपने कहा वो खेल रहा है, यानी उसका खेलना जारी है जारी है। दे वर शाउटिंग वो चिल्ला रहे थे ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये है पास कंटिन्यूअस लेकिन इसमें भी है हमारे देखिए शाउट में आईएनजी लगा है प्ले में आईएनजी लगा है यानी वर्ब में आईएनजी लगा है और एज अ वर्ब ही काम कर रहा है बस टेंस बदला है है ना ही इज प्लेइंग वो खेल रहा है वर शाउटिंग वो चिल्ला रहे थे पास्ट की बात हो गई क्योंकि हमारा इसमें वर लगा हुआ है वॉज एवर होता है तो पास्ट होता हैज बिन लर्निंग फॉर टू आवर्स वो दो घंटे से लर्न कर रही है ठीक है अब इसमें क्या है इसमें आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्योंकि हमारा हैज बीन हैव हाँ बीन के साथ आईएनजी होता है तब भी कंटिन्यूस ही होता है लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस होता है ठीक है इसमें हमारा लर्न में आईएनजी लगा हुआ है तो ये भी आपकी कंटिन्यूस फॉर्म ही है ठीक है एज अ वर्ब ही काम कर रही है कि वो पढ़ रही पढ़ रही है लर्न कर रही है रवि विल बी वेटिंग रवि वेट कर रहा होगा यानी विल बी क्या है फ्यूचर कंटिन्यूस विल के साथ share, अगर शेयर लगा हो विल लगा हो और बी लगा हो देन वर्ब में आईएनजी हो तो ये क्या हो जाता है फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाता है ठीक है तो ये क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस ये आपके टेंसेज में यूज हुए हैं लेकिन वर्ब की फॉर्म क्या है वो एज अ वर्ब ही काम कर रही है वर्ब में जो आईएनजी फॉर्म लगी हुई है प्लेइंग शाउटिंग लर्निंग वेटिंग ये सब क्या है एज अ वर्ब ही काम कर रही है ठीक है इसे कहते हैं कंटिन्यूस फॉर्म ये आपको क्लियर हो गया अब इसका आईएनजी फॉर्म एक कैसे यूज होता है सेंटेंस में नाउन के रूप में नाउन फॉर्म के रूप में यूज होता है और जब वो नाउन बन जाता है तो वो जीडेंट का काम करता है वर्ब में आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब में आईएनजी लगा हो ऐड हो और वो नाउन का काम कर रहा हो वर्ब का काम नहीं कर रहा हो कोई एक्शन करता हुआ शो नहीं कर रहा हो तो वो जीर्ण बन जाता है क्या बन जाता है जीर्ण कैसे देखिए ही लाइक्स प्लेइंग ही सब्जेक्ट है लाइक्स पसंद करता है प्लेइंग खेलना आप प्ले आपका वर्ब है उसमें आई एन जी लेकिन यहां पर सेंस आपका यह नहीं आ रहा है कि वो खेल रहा है जैसे आपका इसमें आ रहा था कि वो खेल रहा है लेकिन इसमें क्या आ रहा था आ रहा है कि वो पसंद करता है खेलना खेलना यानी इस खेलना ये प्ले में आई एन जी लग गया तो ये नाउन बन गया ठीक है ये आपका वर्ड के रूप में यूज़ नहीं हुआ है खेलना यानी जिरंड में आपने सीखा था नानी ने का सेंस भी आता है नानी ने मतलब हिंदी करने पर ट्रांसलेट करने पर नानी ने का सेंस भी आता है और इसमें देखिए आप प्लेइंग में खेल रहा है का सेंस भी शो नहीं हो रहा है तो ये प्लेइंग क्या है ये जिरंड है क्योंकि ये नाउन का काम कर रहा है शाउटिंग इज नॉट गुड चिल्लाना अच्छी बात नहीं है ठीक है अब शाउटिंग क्या है हमने ये नहीं कहा कि ही इज शाउटिंग या शी इज शाउटिंग हमने कहा चिल्लाना शाउटिंग इज नॉट गुड तो शाउटिंग चिल्लाना तो शाउट में आई एन जी लग के ये क्या बन गया नाउन बन गया एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है इसमें ठीक है और ये जिरण का काम कर रहा है आई एन जी फॉर्म क्या बन गई जिरण बन गई क्योंकि ये नाउन का काम कर रही है लर्निंग रेगुलरली इज अ गुड हैबिट लर्न करना रेगुलरली एक अच्छी हैबिट है अच्छी आदत है अब लर्निंग लर्न वर्ब है आप जानते हैं लेकिन आई लगने के बाद ये यहाँ पर वर्ब का काम नहीं कर रहा है यहाँ कह रहे हैं लर्न करना एक तो आपका इसमें क्या है नानी ने का सेंस आ गया क्योंकि नानी ने आने पर वो जिरण बन जाता है फिर भी आप देखिए कि यहाँ पर लर्न कर रहा है या कर रही का सेंस तो आ ही नहीं रहा है तो यहाँ ये वर्ब रहा ही नहीं ये नाउन बन गया है ठीक है लर्निंग रेगुलरली इज अ गुड हैबिट लर्न करना रेगुलरली एक अच्छी आदत है तो ये क्या है ये ये आई एन जी फॉर्म ना उनका काम कर रही है इसलिए ये जीण है ठीक है वेटिंग इज नॉट माय हैबिट इंतजार करना मेरी आदत नहीं है अब वेटिंग वेटिंग क्या है वेट आपका वर्ब है वेट में आई एन जी लग गया तो ये क्या हो गया ये आपका होना चाहिए वर्ब लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं वेट करना वेट कर इसमें था कि रवि विल बी वेटिंग यहाँ पर एक्शन शो कर रहा था कि वो वेट कर रहा होगा यहाँ वर्ब था लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं वेट करना मेरी आदत नहीं है तो वेट करना तो ये आईएनजी फॉर्म क्या हो गई नाउन का, का काम कर रही है और ये जेरेंड है नाउ आपके लिए अब क्लियर हो गया होगा कि प्लेइंग शाउटिंग लर्निंग और वेटिंग ये क्या है ये आई एन जी फॉर्म एज अ नाउन वर्क कर रही है इसलिए ये क्या है जेरेंड है यानी जेरेंड का रूप ले लिया इन्होंने क्योंकि ये नाउन की तरह वर्क कर रही हैं यहाँ पर आईएनजी फॉर्म थी जो कंटिन्यूअस काम दिखा रही थी इसलिए ये क्या हुई थी कंटिन्यूअस फॉर्म थी यानी कंटिन्यूस टेंस का यूज हुआ था अब थर्ड है कि आईएनजी फॉर्म कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम करती है यानी विशेषण का भी काम करती है नाउन माने संज्ञा और एडजेक्टिव माने विशेषण विशेषण का भी काम करती है आई फॉर्म तब वो क्या बन जाती है वो बन जाती है पार्टिसिपल नाउन का वर्क करेगी तो क्या बन गई जेरेंट बन गई और एडजेक्टिव का काम कर रही है किसी की किसी नाउन की विशेषता बता रही है तो वो हो गई पार्टिसिपल बहुत सिंपल डिफरेंस है देखिए अब इसमें सेंटेंस में देखिए ही कॉल्डेड दोज प्लेइंग बॉयज उसने डाटा उन खेलते हुए प्लेइंग बॉयज माने खेलते हुए लड़कों को जो लड़के खेल रहे थे अब इसमें भी प्लेइंग है लेकिन प्लेइंग में प्ले, प्ले प्लस आई एन जी प्ले वर्ब है आई एन जी है लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो बॉयज कौन से जो खेल रहे थे यानी इन बॉयज को क्वालिफाई कर रही है कौन से बॉयज जो खेल रहे थे इसमें आपका देखिए नानी ने का सेंस भी नहीं आ रहा है जेरेंट हो ही नहीं सकता यानी कि ना उनका काम कर ही नहीं रहा है कोई एक्शन भी शो नहीं कर रहा है कि वो खेल रहे हैं तो आपका ये कंटिन्यूस फॉर्म भी नहीं है ठीक है अब केवल ये बॉयज को ही क्वालिफाई कर रहा है मॉडिफाई कर रहा है कि बॉयज कौन से जो खेल रहे थे उन खेलते हुए लड़कों को उन्होंने डांटा स्कॉल्ड किया ठीक है तो ये आपका ये प्लेइंग क्या है ये एडजेक्टिव बन गया जब एडजेक्टिव बन गया देन दिस इज पार्टिसिपल ठीक है आई डोंट लाइक शाउटिंग चिल्ड्रन मुझे शाउटिंग चिल्लाने मैंने कि चिल्लाते हुए बच्चे पसंद नहीं हैं अब शाउट क्या है वर्ब आईएनजी लग गया शाउटिंग हो गया आईएनजी फॉर्म हो गई बट चिल्ड्रन कौन से जो चिल्लाते हैं चिल्लाते हुए बच्चे यानी ये आपका क्या है चिल्ड्रन को मॉडिफाई कर रहा है चिल्लाते हुए शाउट करते हुए बच्चे तो ये शाउटिंग क्या हुआ ये ये आपका एडजेक्टिव बन गया चिल्ड्रन का ठीक है देन दिस इज पार्टिसिपल ये आईएनजी फॉर्म क्या बन गई participle क्योंकि यहाँ पर वो एडजेक्टिव का फंक्शन कर रही है barking dogs seldom bite bark करते हुए डॉग्स बहुत ही कम काटते हैं कभी-कभी काटते हैं। यानी कि barking dogs में देखिए डॉग्स क्या है आपका नाउन है डॉग्स कौन से barking बार्क करते हुए भौंकते हुए यानी डॉग्स के लिए बारकिंग का यूज हुआ है तो ये बा, बारकिंग जो है ये डॉग्स को क्वालिफाई कर रहा है डॉग्स नाउन है कि नहीं ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है उनकी विशेषता बता रहा है कैसे डॉग्स बारकिंग डॉग्स तो ये बार्किंग क्या है एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है देन दिस इज पार्टिसिपल आपने देखा कितना सिंपल इन तीनों का डिफरेंस है और आई की ये तीनों फॉर्म ही सेंटेंसेस में यूज होती है इंग्लिश में आपको बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर वो एक्शन शो कर रहा है काम करता हुआ शो कर रहा है तो आई फॉर्म आपकी कंटिन्यूस टेंस है डेफिनेटली और यदि वो नानी ने का सेंस है और वो एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट काम कर रहा है यानी नाउन का फंक्शन कर रहा है वो है ना तो वो क्या बन गया जरन बन गया और यदि वो किसी नाउन के को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है मॉडिफाई करने का काम कर रहा है तो वो एडजेक्टिव बनके क्या बन जाता है पार्टिसिपल बन जाता है ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके फाइनल एग्जाम्स में बहुत काम आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये जेड पार्टिसिपल का ये जो क्वेश्चन आता है ये आ, आपको कंफ्यूज अब नहीं करेगा क्योंकि आ, इस ट्रिक से आपको आईएनजी फॉर्म बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि आईएनजी फॉर्म कहाँ कहाँ कैसे वर्क करती है हर जगह कंटिन्यूस का काम नहीं करती है कहीं नाउन बन जाती है कहीं एडजेक्टिव बन जाती है कहीं वर्ब बन जाती है अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया हो एग्ज़ाम्स की आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो गई हो इस वीडियो को देख के तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को फटाफट शेयर कर दीजिए